गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू फ्यू मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स फ्रॉम इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी एंड देर आर सम कॉन्सेप्ट विच वी विल एक्सप्लेन यू टुडे। सबसे पहले अगर अरियर ऑफ रेंट मिलता है, जैसे पुराने सालों का कुछ अरियर है, कई बार रेंट रिविजन हो जाता है रेट्रोस्पेक्टिवली, या मान लो पुराने साल का कुछ अनरियलाइज है जो हमको अभी मिल रहा है, राइट? क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर, एक्चुअल रेंट से हम लोग को अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलता है। एक्चुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन मिलता है ना, उसमें अपने को चार कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ता है। टेनेंसी बोनाफाइड होना चाहिए, जेन्युइन कोर्शियन, अंडू इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, डिफॉल्टिंग टेनेंट हैज वेकेटेड दी प्रॉपर्टी और स्टेप्स हैव बीन टेकन इन ऑर्डर टू कंपेल हिम टू वेकेट दी प्रॉपर्टी, उसके पास और कोई तुम्हारा घर नहीं होना चाहिए, एंड लीगल प्रोसीडिंग्स हैज बीन टेकन आउट। तो वेन यू डू लीगल प्रोसीडिंग्स, ऑब्वियसली वाला कोर्ट एक जजमेंट देगा, उसके बाद में अकॉर्डिंगली यू विल रिसीव द अरियर अनरियलाइज पार्ट। तो उस समय यू गॉट डिडक्शन, उस समय उस पार्ट पे तुमने टैक्स नहीं दिया क्योंकि एक्चुअल रेंट से तुमने उसको माइनस कर दिया था, राइट? वो तो अपना एक्सपेक्टेड रेंट हायर आने से जीएवी एक्सपेक्टेड ले लिया जाता था, बट एक्चुअल तो तुम एक्चुअल रेंट से तो अनरियलाइज माइनस किया ना। तो केस जीतने के बाद जब तुमको वो वापस मिलेगा तो अगेन इट विल बी टैक्सेबल, सिंपल सा बात है, राइट? तो अरियर ऑफ रेंट और अनरियलाइज रेंट, ये जब भी मिलेगा ना, इट इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीप्ट, राइट? और आपको 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा, क्योंकि उस समय अगर वो टैक्सेबल होता तो 30% ऑफ एनएबी भी कंसीडर होता ना। तो ये चीज आपको याद रखना है। तो एज पर सेक्शन 25A1, द अमाउंट ऑफ रेंट रिसीव्ड इन अरियर फ्रॉम अ टेनेंट और द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज रेंट रियलाइज सब्सिक्वेंटली फ्रॉम अ टेनेंट बाई द एसएससी शैल बी डीम्ड टू बी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द फाइनेंशियल ईयर इन विच सच अमाउंट इज रिसीव्ड। अब ऐसा हो सकता है कि 5 साल पहले वो प्रॉपर्टी मेरे पास में था, 5 साल पहले वो प्रॉपर्टी मेरे पास में था, बट आज नहीं है वो प्रॉपर्टी, आई डोंट हैव दैट प्रॉपर्टी, राइट? सो क्या अरियर टैक्सेबल होगा? हाँ, इवन इफ यू आर नॉट द ओनर इन द प्रेजेंट ईयर, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल, राइट? अगर आप इस साल के ओनर नहीं भी हैं, फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी टैक्सेबल, राइट? सो वेदर द एसएससी इज द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और नॉट, इट डज नॉट मैटर, इट विल बी टैक्सेबल एंड 30% का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, ठीक है? इज इट फाइन? चलिए हम लोग करेंगे, हम लोग लास्ट आई गेस वी आर डन टिल 5, एवरीवन विल रीड नाउ 6, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे। मिस्टर आनंद सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 23, ठीक है? अच्छा, पहला बात, अगला चैप्टर हमारा यही होने वाला है। जब भी बंदा अपना पुराना घर बेचता है, मतलब कोई भी अपना एसेट बेचेगा ना, तो मैंने आपको बताया था उसको कैपिटल गेन के तहत टैक्स देना पड़ेगा, 5 हेड्स ऑफ इनकम। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कैपिटल गेन ओनली। तो ये जो मैंने अपना घर बेच दिया ना, राइट, ये घर बेच के जो भी मेरे को प्रॉफिट होगा, दैट प्रॉफिट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो अभी घर बेच के जो कमाया उसके बारे में बात नहीं हो रहा है। दे हैव जस्ट टोल्ड दैट आई हैव सोल्ड, मिस्टर आनंद हैज सोल्ड हिज रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन मार्च 23, राइट? हमारा फाइनेंशियल ईयर 23-24 है, मतलब इस फाइनेंशियल ईयर के पहले हमने वो प्रॉपर्टी बेच दी थी जून 23, मतलब करेंट ईयर में, राइट? ही रिकवर्ड रेंट ऑफ 10,000 फ्रॉम मिस्टर गौरव टू हुम ही हैड लेट आउट हिज हाउस फॉर 2 ईयर्स फ्रॉम अप्रैल से लेके मार्च 19। पुराने सालों में मैंने इसको भाड़े पे दिया था, उस समय का रेंट हमको अभी मिल रहा है, राइट? ही कुड नॉट रियलाइज 2 मंथ्स रेंट ऑफ 20,000 फ्रॉम हिम,
एंड टू दैट एक्सटेंड हिज एक्चुअल रेंट वॉज रिड्यूस्ड व्हाइल कंप्यूटिंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी. गॉट माई पॉइंट? उन सालों में मैं जब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकाला तो एक्चुअल रेंट से अनरियलाइज रेंट का डिडक्शन क्लेम कर लिया था, मतलब उस पार्ट पे आपने टैक्स नहीं दिया है, तो अब उतना जितना आपको रिसीव होगा फ्यूचर में अगेन इट विल बिकम टैक्सेबल. दैट्स द आइडिया, राइट? उसके बाद लिखा है फर्दर ही हैड लेट आउट हिज प्रॉपर्टी फ्रॉम अप्रैल 19 टू फरवरी 23. मार्च में तो उसने बेच ही दिया सतीश को, एंड इन अप्रैल 2021 ही हैड इंक्रीज द रेंट. नाउ इस पैराग्राफ में बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट अनरियलाइज्ड, एंड नीचे वाला पैराग्राफ में दे आर टॉकिंग अबाउट अरियर ऑफ रेंट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, ये खाली किया मार्च में, इसको हमने भाड़े पे दे दिया, ठीक है? भाड़ा नॉर्मल 12,000 रुपए पुराना भाड़ा है. अभी बीच में मैंने भाड़ा इंक्रीज होता है करीबन, आप देख लो अप्रैल से लेके 20 और 20 से लेके 21 मार्च, 2 साल के बाद में मैंने टेनेंसी एग्रीमेंट का 2 साल के बाद में मैंने भाड़ा बढ़ाया है, 12 से 15 कर दिया. एंड द सेम वॉज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ डिस्प्यूट. डिस्प्यूट चल रहा था इसलिए वो हमको दिया नहीं, वो हमको 12 करके ही दे रहा था. अब डिस्प्यूट रिजॉल्व हो गया है, सो नाउ आई विल रिसीव द अरियर. तो अप्रैल 21 से मेरे को 3,000 करके अरियर मिलेगा. हाँ, डिस्प्यूट चल रहा है ना, डिस्प्यूट को सेटल होने में टाइम लगे. आज हम तुमसे बोलेंगे कि तुम हमको 10,000 रुपए फीस दो, तुम बोलेगा सर आप पागल हैं क्या, आप तो हमको इतना रुपए बोले थे, अभी आप 10,000 रुपए बोल रहे हैं. आपने तो मेरे को बोला था 6,000 रुपए फीस है, आप 10,000 मांग रहे हैं, अब तो डिस्प्यूट चलेगा ना. अब मैं तुमको क्लास करने से हटा नहीं सकता, नहीं तो फिर मेरे को पूरा ही रिफंड करना पड़ जाएगा. तो आई शुड गिव यू द बेनिफिट्स एंड उसमें मैं लीगल प्रोसीडिंग्स करूंगा. अल्टीमेटली इफ आई विन देन वेल एंड गुड. तो हिसाब से देखना, अप्रैल 21 से लेके मार्च 22, 12 महीना होता है, और अप्रैल 22 से लेके फरवरी 23, 11 महीना, 23 महीना, 23 को 3,000 से मल्टीप्लाई करो, देखो 69,000 सितंबर 23 को मिल गया हमको. तो इसका टैक्स ट्रीटमेंट हमको बताना है. क्लियर? क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो. तो अगर मैं टाइमलाइन बनाऊं, अप्रैल 17, मार्च 19, ये 2 साल लेट आउट था, तो जो भी एनुअल रेंट आया होगा उससे हमने अनरियलाइज रेंट 20,000 क्लेम किया है. हाँ, है ना? उस समय अनरियलाइज था 20, ठीक है? तो ये हमारा एक्चुअल रेंट आ गया होगा, इसको हमने एक्सपेक्टेड के साथ कंपेयर किया होगा, दोनों में जो हायर होगा वो मेरा जीएवी होगा, ठीक है ना? सो लेट अस अज्यूम कि यही हायर था. तो अगर यही आया था, बेसिकली इस पार्ट पे आपने टैक्स नहीं दिया ऑन द अमाउंट ऑफ अनरियलाइज्ड, आपने टैक्स दिया कि नहीं दिया? नहीं दिया ना.
ठीक है। अब इधर में ये हमारा अप्रैल 23, तो इधर में जून में इसका 10,000 रिसीव हो रहा है तो टैक्सेबल होगा, हाँ या ना? हालांकि आपको मालूम है राइट, आपको मैं बता देता हूं, मैंने मार्च 23 में बेच दिया, सोल्ड सोल्ड हाउस प्रॉपर्टी। अच्छा, मार्च 23 में मेरे को क्या देना पड़ेगा? कैपिटल गेन सीजी। मार्च 23 में मेरे को क्या देना पड़ेगा? एक बार यश को बोला ना। मार्च 23 को मेरे को क्या देना पड़ेगा? कैपिटल गेन देना पड़ेगा राइट। इट मींस इन द करेंट ईयर आई एम नॉट द ओनर, स्टिल इट विल बी टैक्सेबल, टैक्सेबल इवन इफ आनंद इज नॉट द ओनर। ये अभी एक्सीड हो जा रहा है बार बार, एक्सीड होने से क्या होता है? बोलने से तो एक्सीड हो जा रहा है बीच बीच में, हम इसको 13 किया है अभी, ठीक है ना? टैक्सेबल होगा, आनंद इज नॉट द ओनर। अब मैंने अप्रैल 19 में इसको सतीश को भाड़े पे दे दिया, हाँ है ना? तो मार्च 21 तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, 12,000 करके पर मंथ भाड़ा था राइट। और ये इसी साल टैक्सेबल, जिस साल का है उसी साल टैक्सेबल हो गया राइट। अप्रैल 21 से भाड़ा बढ़ा, अप्रैल 21 से मेरा भाड़ा बढ़ गया ना, तो 3,000 इंक्रीज हुआ न्यू रेंट, 15,000। लेकिन डिस्प्यूट था तो टेनेंट वॉज गिविंग मी 12, 12, 12, 12, टेनेंट मेरे को 3,000-3,000 कम दे रहा था। अब अल्टीमेटली मैंने फरवरी तक इसको, मैंने फरवरी तक ही दिया था भाड़े में, डिस्प्यूट सेटल हो गया कब? सितंबर 23 में। तो ये जो 3,000 करके 23 महीने का, फरवरी में टेनेंसी छोड़ दिया, डिस्प्यूट चल रहा है, मैंने फरवरी में टेनेंसी छोड़ दिया, डिस्प्यूट चल रहा है, डिस्प्यूट जाके सितंबर 23 में सेटल हुआ, 69K रिसीव्ड, ठीक है ना? तो अरियर भी टैक्सेबल होगा और ये वाला भी टैक्सेबल होगा। आई गेस दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है ना? इसमें कोई दोहराई नहीं है। इसका सॉल्यूशन कैसे दिखाएंगे? अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड कितना? 10,000।
अरियर ऑफ रेंट रिसीव्ड कितना? 69। कितना आ रहा है बोलो? फिफ्टी फाइव 300 है ना? इसका हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ही होगा। हेडिंग में वही लिखेंगे, स्टेटमेंट शोइंग इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, और क्या? हाँ, यहाँ पे यही नेट एनुअल वैल्यू हो गया, यही नेट एनुअल वैल्यू, जितना रिसीव होगा वही नेट एनुअल वैल्यू है। ठीक है, बढ़े आगे। अब आइए, ठीक है, को ओनरशिप जानना बहुत जरूरी है, राइट? व्हेन प्रॉपर्टी इज को ओन्ड बाय टू और मोर पर्सन हुज शेयर्स आर डेफिनाइट एंड असर्टेनेबल। याद है मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, आई हैड टोल्ड यू इन इंट्रोडक्शन क्लास मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, अलग अलग टाइप का एसएससी होता है, इंडिविजुअल, पार्टनरशिप, कंपनी, उसमें एसोसिएशन ऑफ पर्सन था, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल था। तो अगर को ओनरशिप है एंड शेयर असर्टेनेबल नहीं है किसका कितना हिस्सा, जैसे मेरा जो प्रॉपर्टी, मैंने जो घर लिया था उसमें मेरा डिविजन पूरा क्लियर है, 50% मेरा, 50% किसी और का। उसमें क्लियरली डिविजिबल है शेयर, तो उसमें क्या होता है, वी आर द इक्वल पार्ट, इक्वल ओनर्स, को ओनरशिप हो गया, या मेरा 40 उसका 60, जो भी शेयर मेंशनड है। तो अगर आपका शेयर मेंशनड है ना एंड वी आर इक्वल ओनर्स, इक्वली मानते हैं, तो जो भी रेंटल इनकम आएगा, राइट, उसका कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो क्या लिखा है पढ़ो, व्हेन प्रॉपर्टी इज ओन्ड बाय टू और मोर ओनर्स, तो इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टैक्स्ड एज एओपी। आप एओपी बोल के टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि शेयर डेफिनाइट एंड एसर्टेनेबल है।
तो इनकम हर ओनर का निकालेंगे, ईच को ओनर का, राइट, जैसे निकालते थे, इंक्लूडेड इन हिज इंडिविजुअल असेसमेंट, जिसका जितना शेयर है। अब मान लो सेल्फ ऑक्यूपाइड है, हमने को ओनरशिप में इसीलिए लिया था घर, सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में क्या होगा, 2 लाख का जो इंटरेस्ट ऑन लोन का मैक्सिमम डिडक्शन मिलता है, मैक्सिमम इंटरेस्ट ऑन लोन 2 लाख होता है, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, हमने भी लोन में लिया था, तो 2 और 2 4 लाख का बेनिफिट हम लोग क्लेम कर रहे थे। मैं भी 2 लाख क्लेम कर रहा था और जो अदर पर्सन है वो भी 2 लाख क्लेम कर रहा था, सेम घर में दोनों ही रह रहे हैं। तो अगर आपका को ओन्ड प्रॉपर्टी है, इनकम स्प्लिट हो जाएगा, और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में दोनों को अलग अलग 2-2 लाख का डिडक्शन मिलेगा दोनों को। देखो लेट आउट में तो वैसे भी मैक्सिमम इंटरेस्ट का कोई लिमिट ही नहीं है, तो उसका इनकम नॉर्मल निकालो, जिसका जितना शेयर है स्प्लिट कर दो। लेकिन सेल्फ ऑक्यूपाइड में मान लो टोटल इंटरेस्ट, हमने इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिलता है, जब आप लोन लेते हैं ना, यू गेट इंटरेस्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द लेंडर, जिससे आपने बोरो किया है उसको लेंडर बोलते हैं, राइट, वो बैंक, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपको आईटी सर्टिफिकेट देगी, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, क्योंकि उनको मालूम है इंटरेस्ट पेड ऑन बोरोड कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, घर खरीदने के लिए जो मैंने लोन लिया, सामने वाला इसको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिडक्शन क्लेम करेगा, राइट, तो उसको एक सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना पड़ता है। मैंने लास्ट क्लास जब थ्योरी दिया था, लास्ट टू लास्ट क्लास, उसमें मैंने बताया भी था, विद इन 5 ईयर कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होना चाहिए और लेंडर से इंटरेस्ट का सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। तो अगर जैसे हम लोग का आईसीआईसीआई बैंक में अकाउंट है, आईसीआईसीआई बैंक से लोन है, तो लोन को हमने अकाउंट से लिंक कर दिया, तो आई मोबाइल में हम इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, वहां पे प्रोविजन है, मैं क्लिक करते ही मेरे मेल में आ जाता है। तो उसमें पूरे प्रॉपर्टी का जो लोन है उसमें टोटल इंटरेस्ट कितना पेमेंट हुआ ये देखना पड़ता है। मान लो टोटल इंटरेस्ट पेमेंट हुआ 6 लाख रुपया, तो 2 आदमी है, को ओनरशिप है, तो 3 लाख 3 लाख इक्वल अगर माने तो 3 लाख विल बी रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख मैक्सिमम मेरा, और जो दूसरा बंदा है मेरा फैमिली मेंबर उसका भी 3 लाख रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख, तो दोनों को 2-2 लाख का बेनिफिट मिला ना। गॉट माई पॉइंट, राइट। तो व्हेन द हाउस प्रॉपर्टी ओन्ड बाई को ओनर्स इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाई ईच ऑफ द को ओनर्स, राइट, एनुअल वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द को ओनर विल बी नील एंड ईच को ओनर शैल बी एंटाइटल टू डिडक्शन ऑफ 2 लाख। और अगर ओल्ड रिजाइम में, न्यू रिजाइम में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं मिलता, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। लिखा देखो, इफ दे एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेस, मतलब ये लोग नया रिजाइम को डिफॉल्ट मान रहा है, तो न्यू रिजाइम से हम जब शिफ्ट आउट करेंगे तभी हम ये फैसिलिटी यूज कर सकते हैं। और ईच को ओनर का इंडिविजुअल लिमिट 2 लाख ही है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब अगर दो दो प्रॉपर्टी को ओनरशिप में लिया हुआ है तो इसका नहीं कि 4 4 8, वो वाला तो चीज सही है ना, समझ में आया ना वो कॉन्सेप्ट, वो पहले ही बता दिया था, 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड मीन्स 2 लाख ओनली, 2 2 4 नहीं होगा, दो प्रॉपर्टी को ओनरशिप में तो दो दो पर एसएससी दो, ठीक है ना, वही बोला, एग्रीगेट डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट टू ईच को ओनर इन रेस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट पेबल टेकन फॉर को ओन प्रॉपर्टी, राइट, हाँ, और मेरे पास भी मेरा अपना एक सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, वो भी सेल्फ ऑक्यूपाइड है मेरा, राइट, दो होने से भी वो 2 लाख को है, वो तो पहले ही बता दिया, इन एग्रीगेट ही है, वो कॉमन सा बात है, राइट।
एसोसिएशन ऑफ पर्सन. इज इट फाइन? आई गेस इसमें कोई दोहराई नहीं है. देखो अगर लेट आउट है तो मैंने पहले ही बता दिया ना, पहले मानेगा कि एक ओनर है, फिर स्प्लिट कर देंगे जिसका जितना शेयर है. यही पूरा इसको अच्छे से समरी किया हुआ है. इनकम, इनकम पहले पूरा इनकम कंप्यूट करो. जो मानो कि एक ही ओनर है, फिर जिसका जितना शेयर है उसका उसका हेड में टैक्सेबल हो जाएगा, उसका उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा. नहीं लेट आउट में तो लिमिट ही नहीं है ना मैक्सिमम इंटरेस्ट का. मान लो अगर 6 लाख रुपए इंटरेस्ट है तो पूरा 6 लाख माइनस करो, फिर जो रिमेनिंग इनकम आया उसको स्प्लिट कर देंगे. सेल्फ ऑक्यूपाइड में मैक्सिमम 2 लाख है. एक सेल्फ ऑक्यूपाइड हो या दो सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, इनका कहने का मतलब क्या है यहां पे, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर मेकिंग इट वेरी क्लियर. सपोज करो एक प्रॉपर्टी है, इसमें एक्स एंड वाई को ओनर्स है, तो एक्स का एनएवी नील, इंटरेस्ट मैक्सिमम 2 लाख. अब एक्स के पास, ये तो को ओनरशिप वाला हुआ ना, को ओन्ड, ये कौन सेल्फ ऑक्यूपाइड है. अब एक्स के पास में एक सेल्फ ऑक्यूपाइड भी है, उसका भी एनएवी नील, इंटरेस्ट मैक्सिमम 2, लेकिन दोनों का एग्रीगेट कितना होगा 2. यानी कोल्ड वाला सेल्फ ऑक्यूपाइड का 2 लाख अलग है और मेरे पास जो अपना सेल्फ ऑक्यूपाइड है उसका 2 लाख. नहीं, दो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप क्लेम कर सकते हैं. उसके बाद आपको डीम टू बी लेट आउट मानना पड़ेगा सबको. तो दो जो सेल्फ ऑक्यूपाइड आप क्लेम करेंगे, पर हाउस 2 लाख नहीं है, पर एसएससी 2 लाख है. इसमें मैक्सिमम 2 लाख, इसमें भी मैं, तो मैं दोनों का एग्रीगेट 2 लाख से ज्यादा नहीं सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में. लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, ठीक है ना. चलिए तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं. नंबर 7, 6 तो हो गया हमारा, 7 पढ़ो, बहुत सिंपल है. जस्ट गो थ्रू 7. मिस अपर्णा कोन्स अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी इन कैलकटा अलोंग विथ हर सिस्टर डिंपल, वेयर हर सिस्टर फैमिली रिसाइड्स. बोथ हैव इक्वल शेयर एंड द सेम इज यूज्ड बाय देम फॉर सेल्फ ऑक्यूपेशन. खुद यूज करो या फैमिली मेंबर यूज करे, कोई प्रॉब्लम नहीं. इंटरेस्ट इस पेबल इन रेस्पेक्ट ऑफ लोन 50 लाख एट द रेट 10% टेकन ऑन अप्रैल 22 फॉर एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी. एक होता है एक्विजिशन, एक होता है कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में प्री वाला चक्कर आएगा, प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, लेकिन एक्विजिशन में उसी दिन से इंटरेस्ट. कंस्ट्रक्शन में प्री भी आएगा प्लस करेंट ईयर भी आएगा. लेकिन अगर एक्विजिशन किया है तो खाली
करंट ईयर इंटरेस्ट आएगा, प्री वाला चक्कर नहीं है। एनीवे 22 में लिया था तो पिछले साल 22 23, अभी तो 23 24 है ना। अभी मिस अपर्णा का अपना भी एक फ्लैट है पुणे में, इन विच शी एंड हर पेरेंट्स रिसाइड। इसने अपने भी लोन लिया एक ठो, तो इधर का लोन कितना हो गया, 5 लाख इंटरेस्ट हर साल का, और इधर हो गया पिछले साल लिया था तो पिछले साल तो 6 महीने का ही डिडक्शन क्लेम किया होगा, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च, लेकिन इस साल तो पूरा लोन आउटस्टैंडिंग है, तो 3 लाख का 12% होता है 36,000। कंप्यूट द डिडक्शन विच वुड बी अवेलेबल टू मिस अपर्णा एंड मिस डिंपल अंडर सेक्शन 24B इफ बोथ एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट फ्रॉम न्यू रिजाइन। मतलब ओल्ड रिजाइन में इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलेगा, न्यू में तो डिडक्शन 0-0। इफ आई ऑप्ट आउट फॉर न्यू स्कीम डिडक्शन इज स्ट्रेट अवे 0-0। राइट, पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को, फिर हम लोग करेंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन को ओन्ड प्रॉपर्टी कितना, 50 लाख का 10%, इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड प्रॉपर्टी 50-50, तो 2.5 लाख अपर्णा के हिस्से, मैक्सिमम डिडक्शन फॉर अपर्णा अंडर सेक्शन 24B, समझ गया? हाँ, इंटरेस्ट ऑन कोंड कितना है, 2.5 लाख, रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। ये परचेस के लिए लिया था तो इसलिए इसमें 2 लाख मैक्सिमम है। इंटरेस्ट ऑन सेल्फ ऑक्युपाइड कितना है, लेकिन रेस्ट्रिक्टेड टू रिपेयर के लिए 30, हाँ या ना? एग्रीगेट मैक्सिमम डिडक्शन कितना, 2 लाख से ज्यादा नहीं होगा,
कोंट का 2.5 लाख, लेकिन अब मैक्सिमम 2, और रिपेयर का, लेकिन एग्रीगेट 2 से ज्यादा नहीं हो सकता, तो क्या होगा? एनएवी नील, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आ गया। नया में तो इंटरेस्ट का डिडक्शन ही नहीं मिलेगा सेल्फ ऑक्यूपाइड का, नया ऑप कहां किया, नया से शिफ्ट आउट किया। और डिंपल का तो खाली कोल्ड वाला ही है, डिंपल का 2 लाख ही होगा, 2.5 लाख शेयर है, बट रेस्ट्रिक्टेड टू 2 लाख। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, डिंपल का 2 लाख नेगेटिव, एनएवी नील। तो ये अपर्णा का है, और ये मिस डिंपल का। इसका मैक्सिमम 2, लॉस 2 लाख, इसका मैक्सिमम 2, लॉस 2 लाख। ठीक है, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेक्शन 27 का, डीम्ड ओनरशिप। मतलब लगेगा कि मैं ओनर नहीं हूं, बट फिर भी मेरे को ही ओनर माना जाएगा। मतलब दीज आर नॉट द लीगल ओनर्स, बट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के लिए इनको डीम्ड ओनर माना जाएगा, फॉर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी दे विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर, राइट? स्पाउस, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट कर दिया प्रॉपर्टी, हस्बैंड ने वाइफ को हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दिया, वाइफ इसको लेट आउट कर रही है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आया 1,20,000, पूरा कैलकुलेट करके नॉर्मल, टैक्सेबल, राइट, इन द हैंड्स ऑफ हस्बैंड। मैंने गिफ्ट कर दिया है, गिफ्ट डीड बनता है, सरकार को 1.5% का स्टैंप ड्यूटी भी देना पड़ता है, जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपको स्टैंप ड्यूटी देना पड़ता है, 5.1%, 6.1%, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी।
इसमें एक रजिस्ट्रेशन चार्ज होता है, एक स्टैंप ड्यूटी चार्ज होता है, राइट right? तो जब हस्बैंड ने खरीदा, व्हेन हस्बैंड बॉट, हस्बैंड ने स्टैंप ड्यूटी दिया 5.1%, लेट अस अज्यूम। हस्बैंड ने जब वाइफ को गिफ्ट किया तो अगेन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो हु इज द लीगल ओनर नाउ, टेल मी। एक गिफ्ट डीड बना होगा, है ना, एक गिफ्ट डीड बना होगा। गिफ्ट डीड बनाने के बाद हमने 1.5% चार्ज वापस से दिया होगा सरकार को, तो वाइफ इज द लीगल ओनर नाउ। वाइफ लेट आउट करेगी, वाइफ को भाड़ा मिलेगा, तो टेक्निकली इनकम वाइफ का हुआ नहीं। डीम्ड ओनरशिप क्लॉज बोलता है हस्बैंड टैक्स देगा इसको, क्योंकि गिफ्ट था ये। अदरवाइज फॉर एडिक्वेट कंसिडरेशन, मतलब गिफ्ट हो गया, ट्रांसफरर इज द डीम डोनर। लेकिन अगर डाइवोर्स का केस है, एल्यूमिनी है, एलिमोनी, अगर ये डाइवोर्स का केस है तो वाइफ लीगल ओनर, वाइफ ही डीम डोनर, तब नहीं होगा। इफ ट्रांसफर टू स्पाउस इज इन कनेक्शन विथ एग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, चले जाओ मेरी जिंदगी से, शादी का कुछ साल बाद अक्सर तुमको ऐसा फीलिंग आएगा, क्यों किया शादी, मजाक नहीं कर रहा हूं। अगर बोलेगी उठो, उठ जाना, बैठो, बैठ जाना, यहां चलो, ले जाना, अगर ऐसा बन के रहना है, इसमें खुशी अगर तुमको मिलती है तो करना। लोग बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग होता है, कुछ कुछ शब्द है जो मैं यहाँ क्लास में बोल नहीं सकता, राइट right? एक पैसे का अंडरस्टैंडिंग नहीं होता। हाँ, अगर तुमको वो पिक्चर भी आया था गोविंदा का, जोरू का गुलाम, मूवी में दिखाया, हम लोग सीखा, बहुत एंटरटेनमेंट आया, लेकिन उसको अप्लाई नहीं कर पाया। अगर ट्रांसफर टू स्पाउस इज इन एज इन अग्रीमेंट टू लीव अपार्ट, तो तुम ही टैक्स भरो भैया, हमारे पास नहीं टैक्सेबल हो, ठीक है। तो यहां पे मैं, प्रॉपर्टी मेरा नहीं है, देखो लीगल ओनर मैं नहीं हूं, आई एम नॉट द लीगल ओनर, बट फिर भी मैं टैक्स भर रहा हूं। मैंने तुमको गिफ्ट किया, मैंने गिफ्ट डीड भी बनाया, सब कुछ हुआ। अच्छा, अब अगर ये भाई भाई है, हस्बैंड वाइफ है, तो अगर ये ब्रदर का केस है, मतलब एक ब्रदर ने दूसरे ब्रदर को गिफ्ट कर दिया, वो चीज यहां पे नहीं बात हो रहा है, वो बात यहां नहीं हो रही है, यहाँ पे हस्बैंड वाइफ पर ही बात हो रहा है। स्पाउस, हस्बैंड ने वाइफ को गिफ्ट किया, वाइफ ने हस्बैंड को गिफ्ट किया, वही केस के बारे में बात हो रहा है। गॉट माय पॉइंट? बाकी जितना भी केस है ये सब क्लबिंग ऑफ इनकम में डिस्कस होगा, जो तुम्हारे करिकुलम में भी नहीं है, आएगा धीरे धीरे, ठीक है। हमेशा याद रखना, कंफ्यूज करेगा तुमको। ब्रदर ब्रदर का केस में डीम्ड ओनरशिप, ठीक है ना। ट्रांसफर टू अ माइनर चाइल्ड, मैंने अपने बच्चे को गिफ्ट कर दिया, राइट right? तो जिसने ट्रांसफर किया वो डीम डोनर माना जाएगा। लेकिन मैरिड बाल विवाह, बालिका वधु, मैरिड माइनर डॉटर का केस है, तो उसका ससुराल पक्ष समझे, हमको मतलब नहीं। ठीक है, अब समझो हस्बैंड ने ये पॉइंट नंबर 1 के लिए भी है, 2 के लिए भी है, ठीक है ना।
हस्बैंड ने वाइफ को, या वाइफ ने हस्बैंड को, वाइस वर्सा, या पेरेंट ने डॉटर को कैश दिया है और इन लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है आउट ऑफ कैश, तब डीम्ड ओनरशिप नहीं है। डायरेक्टली अगर मैं घर दूंगा तो ही डीम्ड ओनरशिप लगेगा, अदरवाइज डीम्ड ओनरशिप नहीं लगने। डायरेक्टली अगर घर दूंगा तो ही डीम्ड ओनरशिप लगेगा, अदरवाइज डीम्ड ओनरशिप नहीं लगेगा। इज इट फाइन? पक्का? वेरी गुड। बंदा कह रहा है कि हस्बैंड ने अगर वाइफ को गिफ्ट कर दिया तो वाइफ को टैक्स देने में क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम वाइफ को टैक्स देने में नहीं है, प्रॉब्लम है हस्बैंड 20% टैक्स ब्रैकेट में टैक्स दे रहा था, रेंटल इनकम ऐड करते ही वो 30% टैक्स ब्रैकेट में चला गया। तो वो क्या तरकीब निकाला? वाइफ तो मेरी ही है, मैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। वाइफ के तो, वाइफ का फाइल में कोई इनकम नहीं है, वाइफ का कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो मैं उसको गिफ्ट कर देता हूं। तो ये पूरा का, क्योंकि अप टू 5 लाख इट इज एग्जेम्प्टेड। तुम लोग आगे जाकर टैक्स कंपटीशन सीखेगा, उसमें रिबेट वगैरह मिलकर जीरो हो जाता है। लेकिन हस्बैंड में अगर वो ऐड हो गया तो हस्बैंड फ्रॉम 20% ही विल मूव टू 30%, एंड 5 लाख का 30% ही 1.5 लाख रुपए टैक्स चला जाएगा। तो लोग इस टाइप का प्लानिंग करते हैं जस्ट टू शिफ्ट अ टैक्स बर्डन। मैंने तुमको किसी फैमिली मेंबर को गिफ्ट में दिखा दिया तो सरकार पकड़ ली, ये तो सियाना बुद्धि खटा रहा है। सियाना बुद्धि खटाओगे तो प्रोविजन डाल दिया। आगे जाके देखना, यहां पे लिखा हुआ भी है, जैसे अगर मैंने कैश ट्रांसफर किया है नंबर 1, और उससे आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदा है नंबर 2, तो आप डीम्ड ओनर नहीं माने जाएंगे। लेकिन इससे जो हाउस प्रॉपर्टी खरीदा, इससे जो इनकम आ रहा है, ये भी मेरे हाथ में ही टैक्सेबल होगा, ट्रांसफरर ही टैक्स देगा, बट एज पर डीम्ड ओनरशिप क्लॉज नहीं, एज पर सेक्शन 64 क्लबिंग का सेक्शन जाइए। और भी केसेस में सब तुम लोग क्लबिंग में पढ़ेगा, सारा पढ़ेगा तुम लोग। वही लिखा, हाउएवर क्लबिंग प्रोविजंस विल बी अट्रैक्टेड। तो अगर मैंने तुमको प्रॉपर्टी दिया, डीड बनवाया, तुम्हारे नाम पे रजिस्ट्री भी करवा दी, तुम लीगल ओनर हो, लेकिन हाउस प्रॉपर्टी के लिए मैं डीम्ड ओनरशिप माना जाऊंगा। लेकिन अगर मैंने तुमको कैश दिया, तुमने उससे प्रॉपर्टी खरीदा, अब तुम उससे कमा रहे हो, मेरे में ही टैक्सेबल होगा, बट एज पर डीम्ड ओनरशिप बोल के नहीं, क्लबिंग प्रोविजंस बोल के। ठीक है ना? होल्डर ऑफ एन इम्पार्टिबल स्टेट, ऐसा स्टेट जो लीगली डिविजिबल नहीं है, राजा महाराजा का पुश्तैनी हवेली, मैं उसका होल्डर हूं, आई विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर। ठीक है? मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है, पांच लोग मिलके बिल्डिंग बनाया। अब ये सारे मेंबर को रहने के लिए दे दिया गया, तो मैं मेंबर हूं, मैं तो ओनर नहीं। ओनर कौन है? वो ओनर कोऑपरेटिव सोसाइटी है, बट मेरे को अलॉट हुआ है ना, तो आई विल बी रिगार्डेड एज डीम्ड ओनर, राइट? वही तो, मैं मेरा मेरा जितना शेयर है उतना के लिए मैं डीम्ड ओनर माना जाऊं, राइट? अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी टू हुम अ बिल्डिंग इज अलॉटेड अंडर हाउस बिल्डिंग स्कीम। जैसे आप राजारहाट जाएंगे ना, हिडको, वहां पे ऐसे ही हो रहा है। जो सरकार जो जमीन दे रही है वो ऐसे दे रही है, बोला आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाइए, फैमिली में चार कपल होना चाहिए, आप लोग अप्लाई करिए, आप लोग को लैंड अलॉटेड होगा, आप लोग उसमें बिल्डिंग बना के रहिए। तो ओनर तो कोऑपरेटिव सोसाइटी है, लीगल ओनर, लेकिन उसमें बिल्डिंग अलॉट किसको हो रहा है? मेंबर्स को। चार फैमिली है, चार फ्लोर बनाया, सबने एक एक फ्लोर ले लिया, कोई भाड़े पे लगा दिया, कोई कुछ कर दिया, तो उसका टैक्स थोड़ी कोऑपरेटिव सोसाइटी भरेगा, रेस्पेक्टिव मेंबर भरेगा। ऑल्दो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज द लीगल ओनर, पर्सन इन पोजेशन ऑफ अ प्रॉपर्टी, मैंने एडवांस दिया, तुमने मेरे को चाबी दे दी, मैं उसमें रहने लग गया, सब कुछ हो रहा है, रजिस्ट्री नहीं हुआ, फर्क नहीं पड़ता, मैं डीम्ड ओनर माना जाऊंगा। अ पर्सन हु इज अलाउड टू टेक और रिटेन द पोजिशन ऑफ एनी बिल्डिंग इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, पूरा पैसा भी नहीं दिया, आई शैल बी रिगार्डेड एज द डीम्ड ओनर। दिस शुड इंक्लूड केसेस वेयर द पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी हैज बीन हैंडेड ओवर टू द बायर, सेल कंसिडरेशन हैज बीन पेड और प्रोमिस टू बी पेड टू द सेलर बाय द बायर, सेल्स डीड अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ है लेकिन तुमको पावर ऑफ अटॉर्नी अग्रीमेंट ये सब मिल गया है, तो इस केसेस में बायर को ही डीम डोनर माना जाएगा। और लीज के केस में भी मैंने बताया था 12 साल से ज्यादा का होना चाहिए लीज पीरियड, तो लेसी इज द डीम डोनर, लेसी ही डीम डोनर माना जाएगा। ये थ्योरी में आ सकता है आपके पास, और ये ऑपरेटिंग लीज बोला है। ठीक है, मैं जब भाड़े पे लेता हूं, नॉर्मल जो टेनेंसी राइट होता है वो कवर्ड नहीं है, लेकिन लीज में मैं डीम डोनर माना जाऊं, दैट्स इट। सो दीज आर द केसेस ऑफ डीम डोनरशिप, ट्रांसफर टू स्पाउस, गिफ्ट टू स्पाउस, गिफ्ट टू डॉटर, होल्डर ऑफ इम्पार्टिबल एस्टेट, मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, लीज, फाइनेंस लीज, ऑपरेटिंग लीज नहीं, एंड रिटेन पोजिशन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 27 डीम्ड ओनरशिप। चार्जिबिलिटी सेक्शन 22 क्या बोलता है? आई मस्ट बी द ओनर। तो सेक्शन 27 जो डीम्ड ओनरशिप है वो भी एक टाइप का चार्जिबिलिटी सेक्शन हो गया, क्योंकि इस सेक्शन के तहत आई एम नॉट द लीगल ओनर, बट फिर भी अगर यहां पे सेक्शन 22 लगाएगा तो नो वन इज द लीगल ओनर, राइट?
इज इट ओके? चलिए, जितना थ्योरी इस चैप्टर में दरकार था मैंने अलग से दे दिया है, बाकी का आपको दरकार नहीं है, थ्योरी आएगा तो इसी सब चीज से पूछेगा। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए हैं, वो सब कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर वन पढ़िए। Just read. ओनरशिप में है ब्रदर के साथ और लेट आउट है, समझ में आ रहा है, रेंट रिसीव बोल दिया ना, हाँ है ना, तो पहले क्या माना जाएगा कि एक ही ओनर है, नॉर्मल कंप्यूट करो फिर इक्वल डिवाइड कर देंगे, तो हायर ऑफ दीज टू एंड देन लोअर, तो ये एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट 180, तो जीएवी 180 आ गया, सिंपल। म्युनिसिपल टैक्स टेनेंट दिया है, डिडक्शन नहीं मिलेगा, ओनर देने से ही डिडक्शन मिलता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, बनाने के लिए लोन लिया, इंटरेस्ट 25,000, 21,000 ही दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, अक्रूअल बेसिस पे मिलेगा। ये मैंने हाउस प्रॉपर्टी का पहला क्लास में जब फॉर्मेट दिया था उसी समय बता दिया था, तो कितना पैसा दिया उससे फर्क नहीं पड़ता, 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पे नहीं मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन लोन का डिडक्शन मिलता है, नो डिडक्शन इज फॉर इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। और एक लोन को चुकाने के लिए आपने वापस से लोन लिया तो न्यू लोन का इंटरेस्ट अलाउड है, तो आपने वापस से लोन लिया उसका इंटरेस्ट 5,000 अलाउड है, तो टोटल में 30,000 इंटरेस्ट अलाउड है। इज इट फाइन? हाँ, पहले सिंगल ओनर अज्यूम करके कर रहा हूं,
नोट वन में वो कैलकुलेशन दिखा देंगे 180 वाला। डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 आ गया। स्टैंडर्ड डिडक्शन में सबसेक्शन ए का स्टैंडर्ड डिडक्शन दो 30%। तो रमन का कितना आएगा 48 और उसका ब्रदर का 48। फिफ्टी फिफ्टी को ओनरशिप है। और नोट में लिख देंगे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड, ओनली इंटरेस्ट ऑन लोन इज अलाउड।
कोई भी इंटरेस्ट ऑन लोन लेगा, परचेस, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रेन्यूअल, वो सब चलेगा, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं चलेगा, राइट? क्वेश्चन में क्लियरली बोल दिया है, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। शिफ्टिंग आउट, ठीक है, ओल्ड टैक्स एग्जाम का समय है। मेरा मुंबई में घर है, इसके दो यूनिट आइडेंटिकल मतलब इक्वल यूनिट, वन यूनिट सेल्फ ऑक्युपाइड, दूसरा मैंने भाड़े पे लगा दिया, यूनिट वन सेल्फ ऑक्युपाइड, यूनिट टू लेट आउट। जो भाड़े पे था वो दो महीना वैकेंसी था, तो पहले ज्यादा बाद में कम, एक्सेप्शन लगेगा यहां पे, लेट आउट विथ 2 months vacancy. Is it fine? हाँ, पहले एक्सपेक्टेड एंड पूरे प्रॉपर्टी का निकाल लेंगे। इन दोनों का हायर क्या है? म्युनिसिपल वैल्यू नीचे दिया हुआ है, तुमको लगा पहले फर्स्ट लाइन में म्युनिसिपल वैल्यू, ऐसे नहीं है। इन दोनों का हायर है 190, राइट? अब इन दोनों का लोअर, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड रेंट पूरे प्रॉपर्टी का है। ठीक है, फाइव परसेंट ऑफ 195 कर दो, सॉरी 190 है, 9500, ठीक है। और मैंने दिया है मतलब अलाउड होगा, लाइट वाचर चार्जेस अलाउड नहीं है, ये अलाउड है, लीज मनी इंश्योरेंस, इसके लिए क्या लिखेंगे, वही नोट जो अभी लिखा, डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज एग्जॉस्टिव, नो अदर डिडक्शन विल बी अलाउड अपार्ट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 24। दो ही चीज मेंशन्ड है, एक स्टैंडर्ड डिडक्शन, एक इंटरेस्ट ऑन लोन, नॉट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, ये चार के लिए नोट लिखेंगे, राइट? पर्पस क्या है, परचेज कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। लोन तुम दोस्त से लो, गवर्नमेंट से लो, मोदी जी से लो, बिल क्लिंटन से लो, किसी से भी लो, दोस्त से लो, समधी से लो, ससुर से लो, दाउरी लो,
इंटरेस्ट पेमेंट होना चाहिए और किस पर्पस में यूज होना चाहिए, परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, रिन्यूअल। तो इसके लिए नोट क्या लिखेंगे, नोट डिडक्शन अंडर सेक्शन 24 इज एग्जॉस्टिव, नो डिडक्शन शैल बी अलाउड अपार्ट फ्रॉम दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 24। तो ये सब चीज के बारे में सेक्शन 24 में कुछ भी नहीं बोला हुआ है। डिडक्शन मतलब इतना इनकम पे टैक्स नहीं लगे। आज हम कमा रहे तो मेरा खर्चा भी तो हो रहा है, म्युनिसिपल टैक्स तो मेरा खर्चा है, लोन में लिया हमने वो खर्चा है मेरा। अगर इंटरेस्ट को सरकार नहीं कंसीडर करेगी तो कोई भी आदमी घर नहीं खरीदेगा, इतना बड़ा रकम कोई नहीं खरीद सकता खुद से। डिडक्शन मतलब बेनिफिट देना, इनकम कम अमाउंट पे टैक्स लगाना। एक्चुअल रेंट बोल दिया ना ऊपर में, 8,000 रुपये महीना भाड़ा में। पहला बात तो ये नोट आएगा वहां पे एग्जाम क्वेश्चन में, आंसर में, समझ गया ना, ये नोट विल कम इन दैट क्वेश्चन सॉल्यूशन में, ठीक है। अब हम लोग करेंगे यहाँ तो नॉट एप्लीकेबल है। वैकेंसी 2 महीना मतलब 16,000, बोलो इसमें तो नील आएगा। पहले ज्यादा बाद में कम, एक्सेप्शन लगेगा।
म्युनिसिपल टैक्सेस आधा आधा होगा, लेकिन यहां तो मैट डिडक्शन नहीं मिलेगा। 9,500 का आधा कितना होता है? 4750 कितना रही है? 18,000 है तो इंटरेस्ट लोन तो माइनस होगा ही। कितना रहा है बोलो? 4,3,6,7,5 आया, तो हम लोग नेट कर सकता है इसको, आया ना? वी कैन डू नेट। डन, चलो नेक्स्ट देखो।
शिफ्ट आउट फ्रॉम न्यू, तो ओल्ड रिजाइम है अगेन, ये वही है एरिया वाइज, वन थर्ड लेट आउट, टू थर्ड सेल्फ ऑक्युपाइड, ठीक है, एंड इसमें बस खाली इंटरेस्ट ऑन लोन का कैलकुलेशन होगा, मेन यही है। नहीं नहीं प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है ना, इसमें प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट भी तो आएगा, जून 16 में लोन लिया है, मतलब 1 जुलाई 16 को ये कंस्ट्रक्शन है और लोन लिया है 1 जुलाई 16 को, कितना 1 लाख एट द रेट 12%, ठीक है, मई 19, तो अपने क्या लेते हैं इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, हाँ तो ये आएगा मेरा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट, फॉर द पीरियड 1 जुलाई 16 से लेके मार्च 19, तो 16-17 में 9 महीना, 17-18 पूरा, 18-19, मतलब ये आएगा 33 मंथ्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ ठीक है, तो प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट कितना आएगा 1 लाख 12% इंटू 33/12 कितना 33, ये हमारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट है, यस और नो, फैन बंद कर देना,
जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उसके ठीक प्रीसीडिंग 31 मार्च, और ये जो इंटरेस्ट है ये करंट ईयर 19-20 में आ जाएगा, ठीक है। फिर 20-21, 21-22, 22-23, 23-24, हम लोग इस साल का कर रहे हैं। सो दिस विल बी अलाउड एज 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स। सो 1, 2, 3, 4, दिस इज द 5th ईयर, लास्ट ईयर। प्लस करेंट ईयर का जो है 12 महीने का, 1 लाख का 12%, 12,000, तो इस साल का इंटरेस्ट कितना होगा? वन फिफ्थ ऑफ 33,000 ये सबसे पहले हमारा इंटरेस्ट का वर्किंग नोट आएगा। ठीक है, इसमें हम लोग लिख सकते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 1920। ये हमारा नोट वन है। प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट आएगा, डेट ऑफ लोन या डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन दोनों में जो बाद में है, तो डेट ऑफ लोन बाद में है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर ऑफ कंप्लीशन।
इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31 मार्च, डेट ऑफ कंप्लीशन के ठीक पहले वाला 31 मार्च, तो 33 मंथ्स का आएगा 33,000, जिसको हम लोग अलाउ करेंगे 1/5 ओवर 5 सक्सेसिव ईयर्स। ठीक है, सो प्री और करंट आ गया 18,600, एक्सपेक्टेड रेंट कितना है? म्युनिसिपल और फेयर वैल्यू का हायर है 126, वन लाख 8,000 आएगा। पहले 96 और 126 का हायर, और फिर लोअर। नील और 60,000, म्युनिसिपल टैक्स 11% ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू 9600 का, सॉरी 96,000 का 11% में 1/3 लेंगे, इधर तो आएगा नहीं 2/3 वाला में, कितना आएगा 56 इसका करो 30%, इंटरेस्ट ऑन लोन नोट वन है, यहां 12,400 आएगा, यहां 6,200 आएगा, 2/3 1/3, बारह 400 नेगेटिव,
ठीक है, मेन इसमें मेरा इंटरेस्ट ऑन कैलकुलेशन ही था बस, ये वाला, दिस वॉज द मेन कैलकुलेशन। ठीक है चलो, सो नेक्स्ट इसमें दो क्वेश्चन बाकी अपने देख लेंगे बाद में, और नेक्स्ट हम लोग कैपिटल गेन शुरू करेंगे। ठीक है, गुड बाय।